नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इतिहास भाग 10 में जो इसकी परीक्षा 19 मई को होने जा रही है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें निम्न में से सर्वप्रथम किसने यह विचार व्यक्त किया था कि आर्यों ने भारत में पश्चिमोत्तर से प्रवेश किया और हड़प्पा संस्कृति को नष्ट किया। ये कौन थे? इसका आंसर होगा आपका सी, व्हीलर ने। क्वेश्चन नंबर 2, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्बवती नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आहाड़। क्वेश्चन नंबर 3, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बागोर से। बागोर कहाँ पर है? बागोर जो है राजस्थान में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसमें सही नहीं है ढूंढना है आपको, तो इसमें आंसर होगा आपका डी, यानी प्रागैतिहासिक शैलाश्रयों में मानव गतिविधियां चित्रित नहीं थी, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? तो ये था चन्हुदड़ो, ये दुर्गीकृत नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6, चंदौली जनपद में मल्हार पूरा स्थल क्यों विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यहां से लोहे की प्राचीनतम तिथि मिली है। क्वेश्चन नंबर 7, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद मिलता है, किसमें मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, बृहदारण्यक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने वैदिक रचनाओं की रचना नहीं की थी? इसका आंसर होगा स्वयंवरा, स्वयंवरा ने जो है वैदिक रचनाओं की रचना नहीं की थी। क्वेश्चन नंबर 9, भक्ति की अवधारणा पहली बार अभिव्यक्त हुई, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, श्वेताश्वर उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 10, सुमेलित करने के लिए दिया गया है, इसमें सतलज का प्राचीन नाम क्या था? सतुद्री। सतलज का प्राचीन नाम सतुद्री। इसके बाद ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा। रावी का प्राचीन नाम पुरुष्णवी। चेनाब का प्राचीन नाम अक्षिणी। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 11, अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक कौन था? तो इसका आंसर होगा डी, पृथुवैन्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने यह माना है कि आर्यों का, यहाँ पर क्या है, आर्यों का मूल निवास स्थान आर्कटिक प्रदेश था? आर्कटिक मीन्स उत्तरी ध्रुव कहते हैं, किसने माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 13, रेवा यानी नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है, इसका आंसर हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण में। क्वेश्चन नंबर 14, किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है?
इसका आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी, महावीर ने पार्श्वनाथ के चार आयामों में से एक आयाम जोड़ा था, ये सही है। यानी पांचवा कौन था? ब्रह्मचर्य, और चार जो है पार्श्वनाथ का ही था। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किन धार्मिक पुस्तकों में बलि तथा भाग शब्दों का प्रयोग भूमि कर के लिए किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, बौद्ध साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 17, स्वर्ण प्रभास सूत्र पुस्तक संबंधित है, किससे संबंधित है? इसका भी आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 18, अवंती में बौद्ध धर्म का प्रचार किया? इसका आंसर हो जाएगा महाकात्यायन ने। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद था, क्या था? तो इसका आंसर होगा डी, शाक्य। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने यूनानी लेखकों के सेंड्रोकोटस का समीकरण चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विलियम जोन्स। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन अशोक का समकालीन नहीं था? इसका आंसर हो जाएगा ए, डायोडोटस। क्वेश्चन नंबर 22, अशोक का कौन सा अभिलेख धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत को समर्पित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, द्वादश शिला लेख, यानी 12वां शिला लेख। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक दोनों के नामों का उल्लेख मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 24, बेसनगर अभिलेख का यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस हिंद यवन शासक द्वारा भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा सी, एंटियाल सिडास। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश संगम साहित्य में अनुलिखित है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पल्लव। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न ग्रंथों में से किसमें संगम युगीन मदुरई का सुंदर विवरण है? इसका आंसर हो जाएगा बी, शिल्पादि कारम में। क्वेश्चन नंबर 27, शक कुषाण युग में स्वर्ण रजत सिक्कों का अनुपात था? इसका आंसर हो जाएगा ए, 14:1 का। क्वेश्चन नंबर 28, सातवाहनों की राजकीय भाषा थी, इसका आंसर होगा ए, प्राकृत। क्वेश्चन नंबर 29, अदेव मात्रिक भूमि उस भूमि को कहते थे, किसको कहते थे? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी जिसकी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती थी उसको जो है अदेव मात्रिक कहता था। क्वेश्चन नंबर 30 और अंतिम क्वेश्चन है, कथन और कारण से। कथन दिया गया है, सातवाहन काल में समाज चार जातियों में बटा था जिसका आधार व्यवसाय था। कारण है, वे एक प्रगतिशील समाज चाहते थे जो विविध प्रकार की संकीर्ण प्रवृत्तियों से मुक्त हो। तो इसका आंसर हो जाएगा सी होगा इसका आंसर, यानी
ए सही है किंतु आर गलत है। तो ये थे वीडियो। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।